Okay, now let us move to the reading and listening comprehension. Students, yesterday we have read a story. कल हमने एक story read करी थी. Now I will ask some questions from that story only. Okay, what are the events in the story? What are the events in the story? You have to write down in your notebook. Now events are the things that happened in the story. Events वो होते हैं जो story में उस time पर होते हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट्स. जो भी उस स्टोरी में हो रहा है उसको हम बोलेंगे इवेंट्स. सो इवेंट्स आर द थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द स्टोरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल. रिटेल का मीनिंग क्या है. व्हेन यू रीड अ स्टोरी एंड टेल व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी इट इज कॉल्ड रिटेलिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ इवेंट्स ऑफ द स्टोरी. उसको हम क्या बोलेंगे, रीटेलिंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी. जब कभी आप स्टोरी रीड करते हो, स्टोरी रीड करने के बाद आप उसी स्टोरी को किसी को बताते हो तो उसको हम बोलेंगे रीटेलिंग ऑफ द स्टोरी. सपोज फॉर एग्जांपल यू वेंट टू सिनेमा टू वॉच अ मूवी. आप सिनेमा गए मूवी देखने के लिए, वहां पर आपने मूवी देखी. जब आप घर आओगे तो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को बताओगे उस स्टोरी के बारे में. तो जब आप उस स्टोरी को बता रहे हो दोबारा से देखने के बाद तो उसको आप क्या बोलोगे, रीटेलिंग ऑफ द स्टोरी. क्या बोलते हैं हम उसको, रीटेलिंग ऑफ द स्टोरी. ग्रेट. नेक्स्ट इज इन व्हाट ऑर्डर डू वी टेल द स्टोरी. कौन से ऑर्डर में हम स्टोरी टेल करेंगे. जब आप कभी अपनी स्टोरी किसी को सुनाओगे तो सबसे पहले आप उसकी स्टार्टिंग बताओगे. व्हाट इज द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. आप उसकी बिगनिंग बताओगे कि क्या क्या था बिगनिंग में. फिर उसका मिडल बताओगे, मिडल में क्या हुआ. देन एट द एंड यू विल टेल द एंड पार्ट. लास्ट में आप उसका एंड पार्ट. तो सीक्वेंस क्या होगा, बिगनिंग मिडल एंड एंड. इस सीक्वेंस में आप स्टोरी बताओगे. ग्रेट. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर SR7. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू स्टोरी दैट इज नर्वस मोहित. आज हम एक नई स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है, टाइटल क्या है, नर्वस मोहित. ऑथर कोमल रामचंदानी. यू ऑल नो हु आर ऑथर्स. हु राइट द स्टोरी इज नोन एज ऑथर. जो स्टोरी लिखते हैं उनको हम ऑथर बोलते हैं. इलुस्ट्रेटर कगदी पेना. इलुस्ट्रेटर कौन होते हैं, जो इमेजेस बनाते हैं स्टोरीज में, उनको हम क्या बोलेंगे, इलुस्ट्रेटर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Put your finger when I am reading the story. आप अपनी finger put करेंगे जब मैं reading कर रही हूँ. The classroom is brightly lit. जो classroom है वो थोड़ी सी brightly lit है. It is looking more colorful than usual. मतलब brightly lit मतलब बहुत ज्यादा brightness है, कुछ अलग different लग रही है, colorful लग रही है पहले से. All the stations are set and decorated. सारी जो स्टॉप्स स्टेशंस हैं वो सब डेकोरेटेड हो रखे हैं. एवरीवन इज एक्साइटेड टू प्रेजेंट देयर मॉन्यूमेंट मॉडल. सब लोग एक्साइटमेंट है अपने मॉन्यूमेंट मॉडल को दिखाने में. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 आर ऑल सेट एक्सेप्ट मोहित. जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं वो सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, सब कुछ अच्छे से डेकोरेट हो रखा है, सबके मॉडल्स तैयार हैं, पर एक्सेप्ट मोहित, मोहित का नहीं हुआ. मोहित इज अ टिमिड बॉय विद ब्राउन आईज. मोहित एक टिमिड बॉय है जिसकी ब्राउन आईज है. ही इज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. उसको डर लगता है किसी के भी सामने बोलने से. ही इज फीलिंग क्वाइट नर्वस अबाउट प्रेजेंटिंग द कुतुब मीनार. वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है, उसको डर लग रहा है अपना जो उसने कुतुब मीनार बनाया है उसको प्रेजेंट करने में. आप सबको भी डर लगता है ना, जब आपको बोलते हैं कि आज आपको स्टेज पे बात बोलना है तो सबको डर लगता है. तो ऐसे ही मोहित को भी डर लग रहा है. द पेरेंट्स स्टार्ट कमिंग इन. और पेरेंट्स फिर स्टार्ट हो गए अंदर आने के लिए. दे आर ऑल ईगर टू लुक एट द डिस्प्लेस पुट अप बाय द स्टूडेंट्स. सब पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए कि बच्चों ने क्या क्या बनाया है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. द फर्स्ट सेक्शन शो केसेस द ताजमहल. जो पहला सेक्शन था वो क्या दिखा रहा था, ताजमहल. इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल. वो एक व्हाइट मार्बल से बना है. इट इज अ सिंबल ऑफ लव. और वो किसका सिंबल है, लव का.
एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन करा पेरेंट्स को। नेक्स्ट इज द कुतुब मीनार। अब नेक्स्ट क्या था? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार किसने किसको प्रेजेंट करना था? यस, मोहित को। मोहित गैदर्स ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन्स। मोहित ने अपने अंदर करेज लाया, मतलब हिम्मत लाया, और उसको एक्सप्लेन करने लगा। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। इट इज द टॉलेस्ट ब्रिक मिनरेट इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा टॉलेस्ट ब्रिक है, मतलब सबसे ऊंची ब्रिक है। मोहित फील्स कॉन्फिडेंस एज ही स्पीक्स टू मोर पेरेंट्स। मोहित को जैसे जैसे वो पेरेंट्स को बताने लगा ज्यादा से ज्यादा, उसको कॉन्फिडेंस आने लगा। अब उसको नर्वस फील नहीं हो रहा था। एवरी वन हैज अ ग्रेट टाइम। सबने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करा। ऑल ऑफ मोहित्स नर्वस इज गॉन नाउ। सारा जो मोहित का नर्वस था वो चला गया। इसलिए सबको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ओके, आई होप यू ऑल लव द स्टोरी। ग्रेट। नाउ इन दिस स्टोरी वोकैबुलरी वर्ड्स आर नर्वस। नर्वस मीन्स इजीली अफ्रेड, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा डर लगना अंदर से। सिंबल, अ मार्क टू शो समथिंग, मतलब एक मार्क होता है किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए। मिनरेट, अ टॉल टावर, एक बहुत टॉल मतलब लंबा टावर। मार्बल, अ वाइट स्टोन यूज्ड इन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में जो व्हाइट स्टोन हम यूज करते हैं उसको हम मार्बल बोलते हैं। करेज, नॉट बीइंग अफ्रेड, अब डर नहीं लगना, उसको हम क्या बोलेंगे? करेज। आई होप यू ऑल नो ऑल दीज मीनिंग्स एंड यू ऑल हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स। आप सबको वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। ओके, नाउ टेक आउट योर वर्कशीट 4 इन योर वर्क बुक। आप सबको वर्कशीट 4 निकालनी है। ओके, आई होप यू ऑल हैव ओपन इट। ग्रेट। नाउ इन दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द कैरेक्टर इन द स्टोरी। कैरेक्टर कहां पर है स्टोरी में? यस, आई विल टेल द आंसर, यू हैव टू राइट डाउन इन योर वर्क बुक। मोहित इज इन हिज क्लासरूम इन स्कूल। मोहित अपनी क्लासरूम में है स्कूल में। तो जो मोहित हमारा कैरेक्टर है स्टोरी का, वो कहाँ पर है अभी? वो अपनी क्लासरूम में है स्कूल में। व्हाट डिड मोहित टॉक अबाउट? मोहित ने किसके बारे में बताया था? यस, कुतुब मीनार। सो वी विल राइट मोहित टॉक्ड अबाउट द कुतुब मीनार। हाउ वॉज मोहित फीलिंग बिफोर ही स्टार्टेड टू टॉक? कैसा मोहित को फील हो रहा था इस बोलने से पहले? यस, ही इज फीलिंग नर्वस। सो यू विल टिक द नर्वस। हाउ डिड मोहित लुक बिफोर ही स्टार्टेड टॉकिंग? मोहित कैसा लग रहा था बात करने से पहले? मोहित लुक्ड नर्वस बिफोर ही स्टार्टेड टॉकिंग। मोहित नर्वस फील कर रहा था। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर नर्वस? आप क्या करते हो जब आप नर्वस हो तो? दिस आंसर यू हैव टू राइट योर ओन। ओके, आपको ये आंसर खुद से लिखना है। ओके, विद दिस वी एंड अप रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।